I now invite our musicians for the evening. Mr. Anil Dutt, keyboard. Pintu Dao, guitar. Dilip Chandar, tabla and percussion. Mr. Naveen Kumar, octopad. And Mr. Prakash Arora for sound. A big hand for all of them, please. दोस्तों आपका स्वागत है और मैं आपको शाबाशी भी देना चाहता हूं। कुछ चीजें स्टेज के सामने होती हैं, कुछ स्टेज के पीछे होती हैं। दिल्लीवासी कौन यहां नहीं है मुझे बता सकते हैं? यदि कोई ऐसा है जो दिल्लीवासी नहीं है, आप 3 दिन पहले आप हम दिल्ली वाले जब टेलीविजन देख रहे थे और अपने घर के बाहर खिड़कियों से झांक के देख रहे थे तो हमारा दिल डूब रहा था। आप सब महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया। इमेजिन कीजिए मैं और उमा जी क्या महसूस कर रहे होंगे। ये एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, घर से बाहर ना निकले, बच्चों को स्कूल ना भेजे, अपने घर बंद करके घर के अंदर बैठे। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था और अनगिनत फोन कॉल्स हमें आए कि शो कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा। मैंने वो बातें उमा जी तक पहुंचाई लेकिन जो एक सच्चे कलाकार की स्पिरिट होती है, उमा जी ने उस स्पिरिट का सबूत दिया और उन्होंने मुझे बोला, पवन जी शो मस्ट गो ऑन। जो लोग आएंगे, उन्होंने बोला कि जो लोग आएंगे उनका क्या कसूर होगा, वी विल नॉट बी एबल टू इन्फॉर्म एवरीवन, व्हाई शुड वी कैंसिल द शो। एंड दिस इज इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ एन आर्टिस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडियंस एंड द आर्टिस्ट दैट द शो मस्ट गो ऑन। तो मैं शुक्रिया अदा आप सबका करूंगा कि आप यहां आए और ज्यादा शुक्रिया अदा उन लोगों को करूंगा कि जो स्मॉग से डर कर घर पर बैठ गए, क्योंकि आप लोगों को मौका मिलेगा उनको बताने का कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। खेल है, खेल चलता है। एक कलाकार की जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब बहुत से डिसीजंस उसको लेने होते हैं और जो सच्चा कलाकार है वो राइट डिसीजन लेता है, जैसा कि उमा जी ने ये डिसीजन लिया। और हमारे ये साथी कलाकार जो मंच पर मौजूद हैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आप सबके लिए बड़े ही खास गीत आज चुने गए हैं। गीतों के साथ कुछ बातचीत आपसे रहेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं जो आप चाहते हैं उससे हम शुरुआत करें और उसके बाद हमारी और आपकी बातचीत होगी। आज की शाम कुछ ऐसे गीत हैं जो पहले शायद कभी आपने स्टेज प्रोग्राम में सुने नहीं होंगे या उमा जी ने भी पहले उन सॉन्ग्स को नहीं गाया होगा, तो ये सिलेक्शन करते समय बहुत सावधानी हमें बरतनी पड़ी और आपकी चॉइसेस को और आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ये सॉन्ग लिस्ट बनी है। आई होप यू लाइक इट एज ऑलवेज। मैं आप सबकी तरफ से दरख्वास्त करूंगा उमा लाला जी को कृपया मंच पर आए और